आप रो क्यों रहे हैं अभी, मुझे ये बताइए। मुझे बहुत परेशानी आ रही, बच्चे भी सुबह को नाश्ता नहीं कर पाते हैं, दोपहर को भी नहीं खाना मांग रहे हैं, शाम को गुजारा जैसे तैसे हो जाता है। बहुत परेशानी आ गई, गरीब आदमी की बहुत परेशानी आ गई। अभी आप घर से निकले थे तो कुछ मजदूरी मिली आपको? 50 रुपये की मजदूरी आई है बस। अभी आप कहाँ से आए हो बाबा, आप इस दोपहरी में कहाँ से आप? अभी रोटी लेके आए, खाना वहाँ बट रहा था तो खा लिया था, एक रोटी रह गई वहाँ गुरुद्वारे पे। दो रोटी मिली थी आपको? जी जी। तो दो रोटी में से एक रोटी आपने खा ली, एक आपने क्यों बचाई? बच्चों के लिए बचा ली एक रोटी खा ली मैंने, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। कितने बच्चे बाबू जी? दो बच्चे हैं, एक। कितने बड़े बड़े हैं? छोटे छोटे हैं, इतने इतने बड़े। तो अल्लाह से मांगते हो नहीं मांगते हो? हाँ, दुआ तो ऊपर साहिब वाले से कर रहे हैं कि कुछ तो रहम कर दे ऊपर वाले, काम काज खोल दे तो अपने दो बच्चे रोटी अपने खा सकें कमा कर। जब बच्चे दूध मांगते हैं, खाना मांगते हैं तो कैसे करते हैं बाबूजी? होते ही नहीं है, मना कर देते हैं। बच्चे खुद ही कह रहे हैं कि आप, हम शाम को खा लेंगे जो कुछ मिलेगा, सुबह को भी नहीं खाएंगे, दोपहर में भी खेल के गुजार देंगे। सब्जी मंडी रात की कर दी, तो एक उम्मीद थी आपको कि दिन में चलो कुछ भाड़ा मिल जाएगा? कुछ ना कुछ भाड़ा मिल जाएगा, अपने दो रोटियों का शाम का तो हो ही जाएगा गुजारा। जी, आपका एक दिन का खर्चा कितना है? एक दिन का करीब 150-200 रुपये का, बस ज़्यादा तो है नहीं, अपना गुजारा लाख हो जाता है। अल्लाह की मदद आती हुई देखी कभी? अल्लाह की मदद तो मिल जाए, वो तो एक रहीम करीम है, ऊपर वाला तो जितना भी मदद कर दे कम है, वो गरीब इस टाइम तो सुन ही नहीं रहा, क्या करा जाए। आपने सोचा था कि जब वहाँ से आप निकल के आ रहे थे मंडी से कि कैसे घर का खर्चा चलेगा, कैसे बच्चों को मैं दूध दूंगा, क्या सोचा था? बस चल दिया मैं ऊपर वाले का नाम लेकर, मैंने कहा चलो जी देखेंगे अल्लाह, ऊपर वाला जो करेगा ठीक है, भूखे सूखे कैसे ना कैसे गुजारा तो करना ही पड़ेगा। और जी अगर मैं आपको मदद करूँ तो आप मुझसे वादा करते हैं कि आप 10 दिन बाहर नहीं निकलेंगे घर से? ठीक है जी बाबू जी, इससे बड़ी तो कोई मदद ही, जब घर में खाने पर जाएगा तो क्यों निकलूँगा बाहर। ये 2000 रुपये हैं जी, लीजिए जी। कितने? 2000 रुपये। खुश हैं आप? हाँ जी, आप इसने तो काफ़ी टाइम का गुजारा हो जाएगा, बहुत गुजारा हो जाएगा। आपको भगवान देखो मदद करे, आप मन गरीब की आपने सुनी बहुत जी। इस वक्त तो मैं आपका हाथ भी अपने सर पे नहीं रखवा सकता जी, जी, मैं भी नहीं रखना चाहता हूँ, मैं तो आपको ऊपर वाले से दुआ ही करता हूँ। लेकिन जो आपके दिल से दुआ निकली है ना, वो मुझे लगता है वो कभी खाली नहीं जाएगी। सही बात है, भूखे पेट पे अब सुबह से बिल्कुल ही भूख का चल रहा, वो भूख लग गई बहुत, गुरुद्वारे पे गया था उन्होंने दो रोटी दे दी, दो रोटी एक रोटी खा ली मैंने, एक रख ली यहाँ पे, अब टुकड़ा टुकड़ा बच्चे खा लेंगे, पानी पी लेंगे। अल्लाह भगवान सबके साथ है बाबूजी, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह कहाँ हमारे ये जो रग है ना, ये इससे भी पास है, वो दिलों के हाल जानते हैं बाबूजी, वो आपके दिलों के हाल भी जानता था, वो जानता था मेरा बंदा निकला है भूखा है, अपने घर पे रोटी लेके जा रहा है, उसकी मदद करें, तो उसने हमें भेजा। सच बात है आपकी, सच बात। मैंने आपको रोका ना? हाँ जी, रोक के मैंने आपको कहा बाबूजी रुकिए, हम दूसरी वीडियो बना रहे थे, लेकिन मैंने आपको रोका। देखा आपने, ये असली मदद है। ये बाबूजी जा रहे थे और हम अपनी किसी वीडियो का शूट कर रहे थे, मैंने इनको रोका, अचानक रोका, बाबूजी रुकिए, बाबूजी भी रुक गए कि शायद पता नहीं क्या बोलेंगे मुझे, क्या कहेंगे। देखा कितना दर्द है, दो रोटी मिली मात्र, वो भी गुरुद्वारे से, और दो रोटी मिलने के बाद एक रोटी खाई बाबूजी ने, एक रोटी अपने बच्चों के लिए रख ली कि मेरे बच्चे खाएंगे, और पता नहीं कि शाम तक मिलेगा नहीं मिलेगा। हमारी माँ कितना प्यार करती है, लेकिन हमारी माँ से 70 गुना ज़्यादा वो प्यार करते हैं जी, बिल्कुल। कैसे वो आपको रोता हुआ देख सकते हैं बाबूजी, ये तो बताइए। सच बात है, बिल्कुल बिल्कुल सच बात है, वो हमसे बहुत अल्लाह प्यार करता है, हमारे लिए क्या क्या नहीं बनाया अपने सब ने, कुछ सब कुछ बनाया। सुन लेना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें, अपने बच्चों में रहें, और दुआ दें हमें बस।